आजादी। एक बार फिर से आप सबको बताना चाहूंगी, आप जरूर ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि मैं आपन सनग्लास क्यों पहनी हूँ। तो रीजन इसका ये है कि मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, रेटिना डिटैचमेंट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे अभी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। कम से कम 1 मंथ तक मुझे सनग्लास लगाना है, इसलिए इसी तरह से मैं आऊंगी। और आपको मैं बार बार अपने दोस्तों को ये बार बता रही हूँ कि रेटिना डिटैचमेंट की वजह से मुझे प्रिकॉशन लेना है, इसलिए सनग्लासेस मैं लगा रही हूँ। तो आज मैं राबिया मैम, हमारी जो स्पेशल एजुकेटर है, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। और हमारे कौन से बच्चे साथ में रहेंगे, स्पेशल बच्चा कौन सा हमारे साथ रहेगा, वो आप चल कर ही देखते हैं। चलिए स्कूल के अंदर एंटर करते हैं। तो मैं पहले एक बेल बजाती हूँ और ये आपने आप इनसे मिले हुए ये अनीता आंटी है, ये नमस्ते कह रही है सबको। तो ये अनीता आंटी है, बच्चों का केयर करती है और बहुत अच्छे से स्कूल की साफ सफाई बहुत अच्छा मेंटेन रखती है। तो चलिए स्कूल आगे बढ़ते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं राबिया मैम, सुंदर मैम के क्लास रूम में, जहाँ पर हमारे स्पेशल बच्चे हो जाता है कि अभी आवाजें निकाल
निकाल रहे हैं, तो इसके लिए भी मैम वर्क करती है। पूछूंगी कि इसके लिए मैम क्या काम कर रही है। मैम जिस तरह से ड्राइंग जब ये खाली होते हैं तो ये आवाजें निकालते हैं, तो इसके लिए क्या काम मैम ये निकल कर आ जाते हैं और ये इनका कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज पे चलता है। ओके, तो आपके बच्चे भी अगर इस तरह से बिहेवियर कुछ करें तो उनको डाइवर्ट कीजिए। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इब्राहिम का वेट बहुत गेन कर रहा था, तो सफूरा मैम ने बहुत वर्क किया है। जब ये सवेरे आते मॉर्निंग में जब आते हैं, ये बहुत रेगुलर है इब्राहिम, और मॉर्निंग में बिल्कुल अभी रॉक आ जाते हैं। और किस तरह से मैम आप इनका वेट लॉस का भी काम कर रही हैं? मैम एक्चुअली क्योंकि इब्राहिम बॉय जो थे बहुत ज्यादा खाते हैं, ओके, इनको जो है ना सबसे पहले तो उनकी मदर को अपनी इंस्ट्रक्शन दी थी कि मैम आप रोटी कम करें, ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा चार रोटियां ऐसे दे देते हैं, क्योंकि बच्चे को खुद अपनी नॉलेज नहीं उसे कितना कंज्यूम करना है, वो खाए जा रहे हैं उनके सामने आप रखे जा रहे हैं वो खाए जा रहे हैं, तो हमने इनकी रोटी कम करवाई और ऊपर से एक्स्ट्रा ही पानी दिया करते थे तो हमने उनको भी लिमिट में करवाया। जी ये सब मैं एक्टिविटीज देखती रहती हूँ जब सफूरा मैम कराती है, और जब इब्राहिम भी पहले बिल्कुल एक जगह खड़े हो जाते थे और बहुत लेजी थे, लेकिन आज इनका ये आलम है कि जब इनको रन बोला जाता है तो ये दौड़ते हैं, तो ये सब सफूरा मैम का क्रेडिट जाता है। पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है, जिस तरह से सफूरा मैम ने कहा कि इनको खानी पड़ी, इतना जितना दे दिया जाएगा ये वो उतना खा लेंगे, तो पेरेंट्स का वो ख्याल जरूर रखना कि मेरे बच्चे का अगर वेट बढ़ रहा है, ऐसे बच्चों का स्पेशल बच्चों का अगर वेट बढ़ रहा है, तो उनके खाने पीने पर बहुत बहुत ध्यान दिया जाए। इन बच्चों को मीठे से बहुत परहेज करने की ज़रूरत है और पेरेंट्स ही इसका ख्याल रख सकते हैं, तो इन सब बातों का ख्याल रखा जाए। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप लोग इनको फ्री टाइम भी कुछ देर कुछ एक्टिविटीज़ करवाती हैं और Hands up. Hands down. Sit down.
बहुत ज्यादा फर्क आएगा और डेवलपमेंट होगा। इब्राहिम बाय, इब्राहिम बाय, बाय बाय।